welcome on board. Welcome on to the panel. I'd see a very unusual subject rather than controversial subject about India's first transgender who got admitted in a college, right? Yes. So how did you pick up on the subject and how did you approach and क्या क्या दुविधाएं आपको फेस करनी पड़ी, क्योंकि इसको शायद आपने प्रोड्यूस भी किया है और डायरेक्ट भी किया है, तो ऐसे सब्जेक्ट को आप जब प्रोड्यूस करने जाते हैं तो मार्केट की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या वो बहुत फोर्थकमिंग होते हैं या नहीं होते हैं, और जब आप एक निर्देशक होते हैं तो आपके ऊपर सोसाइटी का कोई प्रेशर रहता है कि नहीं ये एक आईना जैसा है फिल्म और हम बहुत सेंसिटिवली इसको बताएंगे, या एक सेल्फ सेंसरशिप जो दिमाग में है वो रखें ताकि, क्योंकि हमारे शॉर्ट फिल्म या डिजिटल फिल्म में सेंसर नहीं होती है तो हम एक सेल्फ सेंसरशिप यूज़ करें, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं जब आप ऐसे सब्जेक्ट को लेकर फिल्म बनाते हैं, या आप बिंदास बना देते हैं ये सोच के कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? पहले तो सबको नमस्कार, राजस्थान में जयपुर में। राम, जब भी फिल्म बनाने निकलते हैं घर से तो ना डर जो है वो घर पे रख के जाना पड़ता है, नहीं तो फिल्म की लड़ाई, इट यू नो द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस यू हैव टू यू नो प्रोड्यूसर अलग थॉट पे चलते हैं बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डील यू नो ब्रिंग आउट स्टोरीज दैट आर वेरी अनकन्वेंशनल। और जो चेंज की पहले मैं बात करना चाहूँगा, अब जो चेंज जो है वो एक्सेप्टेंस का आ गया है और फियरलेसनेस का ज़्यादा आ गया है। अब ओपननेस की वजह से क्या हुआ है कि पीपल आर विलिंग टू गो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड दैट हैज़ कम फ्रॉम द ऑडियंस फर्स्ट, दैट नाउ पीपल अंडरस्टैंड दिस इज़ ओवर द टॉप थिंग हैपनिंग इन फिल्म्स एंड दिस इज़ व्हाट द रियलिटीज दैट वी आर एबल टू सी थ्रू फिल्म्स। जब बात करता हूँ मैं एडमिटेड की, तो एडमिटेड टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी आफ्टर द 2014 नालसा जजमेंट। सो व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई वाज देयर टू मेक द फिल्म, तो either I could have written that in the format of a screenplay and would have gone and then you know casted people and then you know ek ek kirdar leta fir casting process hota and then would have gone total overboard. Correct. Now it was a very strong conscious call whether I was going to document it or I was going to make it a narrative fiction inspired from a true story, but then I took a conscious call that why not spell out the entire story with 100% honesty. Let me make a documentary, let me play this thing. So I made, or my team made, a feature length documentary, and we had the protagonist and everybody was a part of her life, be it the civil administration, be it the state administration, be it the education administration, everybody came on board. Now the biggest challenge was conviction. When you're trying to bring out a real story and you have the same person on board narrating her own real life journey, so that takes courage. And you know, because you know you are putting your heart, your entire life, a journey of 5 decades onto you know she gave that her life to me and she said bhaiya ab ye meri zindagi aapke haath mein, ab wo mere upar responsibility aa gayi that how I'm going to shape it. So the change has come gradually. We are all talking about digital, but now digital mein bhi itna kuch aa gaya that we are now wo bhi time nahi aayega ki everybody talks about Netflix, YouTube, wo ab YouTube ka front page pe aana ek badi baat ho jati hai बिकॉज रोज़ इतना कंटेंट आ रहा है, रोज़ इतने लोग डिजिटल बना रहे हैं। अब इफ़ वी गो टू द चेंज दैट वी टॉक अबाउट, इफ़ पीपल से कि अगर मोबाइल फ़ोन और इस पर आप अपने आपके हाथ में पावर है आप बना सकते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मोबाइल फ़ोन पे लोग वीडियो बनाया चले जाए नेटफ्लिक्स पर और वो ले ले, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। There's a quality and a quantity. Everything. So everybody control. thinks कि वो एक स्टोरी टेलर बन गए हैं। वो स्टोरी टेलर हर आदमी होता है, लेकिन वो अपने अपने तरीके से होता है। ज़रूरी नहीं कि आपका तरीका लाखों और करोड़ों की संख्या में लोगों को इक्वल उसी इम्पैक्टफुल इमोशन से समझ में आए। जी। So that is the change that has come and अब let's see how it goes further. We are just trying to, मैं हो गए, राजेश जी हो गए, मैम हो गए, आप भी हो गए, जब आपकी भी शॉर्ट फिल्म है तो we just try to put forward our perspective of showing things how we see. Correct. Right. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for the gentleman on stage?